जनाजा है बाबा साहिब का, जिनको बाबा साहिब के नाम से जाना जाता था, मियां बशीर लारवी साहब। अभी हम उनके नमाज जनाजा में हमने भी शिरकत की, अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद उनके नमाज जनाजा जो है शुरू हो चुका हो जाएगा। अभी हम आपको अपने वीडियो से दिखाने की कोशिश करें कि हजारों की तादाद लोग जो है वो जो यहाँ पे आसान आलिया बाबा नगरी की तरफ आए हुए हैं। और अगर बात की जाए कंगन मार्केट ही से गाड़ियां जो है बराबर बाबा नगरी तक रास्ते में गाड़ी की कितारें ही नजर आती हैं। अगर बात की जाए कि मुरीदैन की पूरे हिंदुस्तान में इनके मुरीदैन है, लेकिन खासकर जम्मू कश्मीर से। अल्लाहु अकबर बशीर अहमद लारवी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, एक तारीख, गुजरों के सियासी भी और मजहबी रहनुमा भी, एक वो शख्सियत जिस शख्सियत का जब किसी महफिल में जाना होता तो रौनक महफिल मियां बशीर अहमद लारवी हुआ करते थे। वो शख्सियत जिस शख्सियत ने गुजर कौम में सियासी शऊर पैदा करने का काम किया, जिस शख्स ने तालीम कितनी अहम है, तालीम कितनी ज़रूरी है और गुजर कौम को तालीम क्यों हासिल करनी चाहिए, ये तमाम बातें कौम को बताई, कौम को समझाई और जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर गुजर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम लोग जो इस वक्त अहम ओहदों पर फाइज हैं, कहते हैं कि मियां बशीर अहमद लारवी बहुत हद तक हमारी जिंदगियों का रुख बदलने में, हमारी सोच, हमारी समझ और चीजों को लेकर हमारे देखने के नजरिए को बदलने में बहुत बड़े हद तक वो शामिल थे। मियां बशीर लारवी अपने आप में एक बहुत बड़ा इनकलाब थे और कमाल उस शख्सियत का ये है कि कंगन कश्मीर से लेकर पुंछ के बालाई इलाकों तक और पुंछ से लेकर बानिहाल के पहाड़ों तक
शायद ही कोई ऐसा गुजर कबीला होगा, शायद ही गुजर बकरवाल इस कबीले से ताल्लुक रखने वाला कोई फर्द वाहिद होगा जो मियां बशीर लारवी की शख्सियत